रिस्पेक्टेड ऑल टीचर्स, मैं नीरज सिंह कवर डीएम साइंस आज तुहाडे नाल एक छोटी जी वीडियो शेयर कर रहे हैं जिहदे विच जिहड़े प्रोजेक्टर साडे स्कूलां दे विच आए है इन्हां प्रोजेक्टर नूं अपने फोन दे नाल कैसे अटैच करना है। जिहड़े पहले फेज दे विच प्रोजेक्टर आए सी उहदे विच कनैक्ट ऐप उत्थे डाउनलोड सी ते तुसीं कनैक्ट ऐप राहीं अपना फोन कनैक्ट कर सकदे सी, लेकिन इहदे विच कनैक्ट ऐप डाउनलोड नहीं है। वो अंदर जिम्मे कह लो कि किसी ट्रंक के चीज लुकी हो बाहर कट के रखना है, ये सॉफ्टवेयर है लेकिन अंदर सिस्टम हैगा उन्होंने बाहर कट के इंस्टॉल करना। वो कि करना है वो छोटा जहा एक प्रोसैस है वो तुम्हें ये प्लीज देख लियो ताकि आराम इनू कर सको। लेकिन सब तो पहला तो जो वाईफाई है वह इंटरनेट न जोड़ना पड़े, चाहे अपना परसनल हॉटस्पॉट ऑन करके या स्कूल का वाईफाई ऑन करके पहले अपना नैट कनैक्शन देख लियो कि नैट थोड़ा चलता हो ही प्रोसैस। सब तो पहले तुम्हें अपना इनू नैट में कनैक्ट करना है, उस तो बाद काम जोड़ा है इतने आ गए है जिम्मे थोड़ी विंडो खुल गई 10। सब तो पहले तुम आ नैट जिमें इतने इंटरनेट एक्सैस आना है ये चैक कर लेंगे तो नैट पूरा हो गए। उस तो बाद जो विंडो का स्टार्ट बटन होंगे इतने तुम्हें क्लिक करके हेठा सैटिंग वाले ऑप्शन पर जाना, आ देख लो फॉर एग्जाम्पल ये सैटिंग वाला ऑप्शन है, सैटिंग में तुम क्लिक कर देना। ये क्लिक करने बाद कई सारे छोटे छोटे आइकन बनेंगे, तुम सिस्टम को क्लिक करना। सिस्टम को क्लिक करने के बाद इतने देखो लैफ्ट साइड पर डिस्प्ले साउंड नोटिफिकेशन लिखा, इतने प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी आई जरा आइकन है क्लिक करना है प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। जो तुम क्लिक करोगे इतने इस तरह का एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें सब तो उपर आ रहा ऑप्शनल फीचर, इतने ऑप्शनल फीचर तुम क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ऐड ए फीचर, इतने ऐड ए फीचर पर तुम मुड़ के क्लिक करना। ऐड ए फीचर पर क्लिक करने के बाद कई सारी छोटिया ऐप्स खुल जाएगियाँ, तुम हेठा सब तो लास्ट के विच एक ऐप होंगी है वायरलैस डिस्प्ले, आओ इन ध्यान देख लो ये 1.06 MB की है, इनू तुम क्लिक करके थले इंस्टॉल का बटन आ रहा इस इनू इंस्टॉल कर। जो तुम इंस्टॉल का बटन क्लिक करोगे तो पर इंस्टॉलिंग का प्रोसैस थोड़ा शुरू हो जाएगा। ये हार्डली थोड़े नैट की स्पीड पर डिपेंड करता है, एक मिनट या डेढ़ मिनट लग सकता है। जिदा ये सॉफ्टवेयर इतने इंस्टॉल हो जाएगा तो इतने इंस्टॉल्ड लिखा, उस तो बाद जो कोड है वो डिस्प्ले होना शुरू होगा। बाकी नैट की स्पीड पर डिपेंड करता है, अगर नैट की स्पीड थोड़ी काफ़ी अच्छी है तो ये विदिन 50 सैकेंड भी हो सकता है, लेकिन अगर नैट की स्पीड थोड़ी थोड़ी घट है तो उस हिसाब से एक तो दो मिनट भी समा लै सकते हैं। हम आप थोड़ा जहा वेट करना जब तक कि ये जोड़ा थोड़ा इंस्टॉल नहीं हो जाता। देखो जिमें हौली हौली इंस्टॉल हो रहा, थोड़ा जहा समा लगना इंस्टॉल होने क्योंकि सारा काम जो इंस्टॉल होने तो बाद ही शुरू होना। जिमें आ देखो इंस्टॉल हो रहा, ये थोड़ा काम ईजी होएगा कि जो तुम फोन में अपने अटैच कर लो, जो तुम फोन के चलाओगे वही चीज़ चाहे व्हाट्सएप चलाओ चाहे कोई भी चीज़ चलाओ कोई वीडियो चलाओ तो जी है प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो जाएगी, जिस तरह अभी पहले LED अपना फोन जरा जोड़ते वो चीज़ इस नवे प्रोजेक्टर के नहीं हो रही थी, तो इस करके असी हल लगे कि किस तरह तुम इन जोड़ा है अपने प्रोजेक्टर में कनैक्ट कर सकते हो अपने फोन का। हाँ देखो बस थोड़ा जहा रह गया, इस तो बाद जो इंस्टॉल्ड बटन है थोड़ा इतने इंस्टॉल्ड शुरू आना डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। बस कुछ एक सैकेंड का रह गया, MB बहुत घट इच लगते हैं, कोई ज़्यादा थोड़ा नैट नहीं लगना, सिर्फ 1.06 MB का सॉफ्टवेयर है। थोड़ा जहा वेट जरूर तुम्हें करना पै सकता क्योंकि इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, बस उस तो बाद अगर प्रोसेस जी को सिंपल
हो गया हाँ इंस्टॉल्ड अजे भी थोड़े इतने इंस्टॉल्ड आ जाएगा तो इतने जरा सर्कल घूम रहे हो दो मिनट वेट करना है वापस इतों बैक बटन जरा उपर एरो से इतों बैक बटन पर जाना है तो बैक बटन पर जाके किसी सिस्टम के जाओ सिस्टम जाके प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी इतने थोड़ी ऑप्शन खुलनी चाहिए क्योंकि थोड़ा पूरा डाउनलोड नहीं होया वापस तुम चैक कर लेना उ जाके की हो गया थोड़ा लेकिन दो मिनट रिफ्रेश कर लिए आप कैंसल करके स्टार्ट बटन पे गए सेटिंग पे जाके सेटिंग तो बाद सिस्टम प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी हाँ जी इदा तुहाडे शो होना चाहिए ऑलवेज ऑफ इनू तुसी क्लिक करना इत्थे अवेलेबल एवरीवेयर कर देना आ ध्यान नाल देख लो इत्थे ऑप्शन ऑलवेज ऑफ भी आ रही है इनू क्लिक करके अगर ना ऑप्शन शो हो रही हो तुसी एक बार रीफ्रैश कर लिया जिदा असी कीता सी बैक स्क्रीन जाके रीफ्रैश कर लिया कंप्यूटर नू इत्थे जाके ऑलवेज एवरीवेयर कर देना आ क्लिक कर देना इनू इधर रहने देना एवरी टाइम ए कनैक्शन इज रिक्वेस्टिड इतने जरा इन नैवर रहने देना आ जरा ऑन द बटन है इनू ऑफ कर देना इतने बस आ ध्यान देख लो दिस पीसी कैन बी डिस्कवर्ड फॉर जंक्शन इतने जरा ऑन बटन से इनू आप ऑफ कर देना तो वापस आप क्रॉस के बटन पर आए ना हूँ आप क्लिक करा तो थोड़े सब तो उपो उपर आ देखो कनैक्ट ऐप शो हो लग गई पहले शो नहीं हो रही थी जदों असी इंस्टॉल नहीं किया कनैक्ट ऐप शो नहीं हो रही थी हूँ कनैक्ट ऐप शो हो लग पी हूँ तुम कनैक्ट ऐप को तुसी क्लिक करना तो क्लिक करके आडे कोड डिस्प्ले हो गया हूँ एक आप फोन होर लें खोल के दी हाँ जी तुहाडा जो भी फोन हैगा उहदे विच तुहाडे स्क्रीनकास्ट की ऑप्शन होंगी या सैमसंग के फोन के स्मार्ट व्यू की ऑप्शन होएगी अगर तुहाडा एम आई का फोन है स्क्रीनकास्ट की ऑप्शन होएगी तो ये तुहाडे सैटिंग के जाके तुसी देख लेना वायरलैस डिस्प्ले कित्थे तुहाडे आंदा है उत्थे तुहाडे ऑप्शन होएगी इहदी कई जिदा वीवो का फोन तो आप ट्राई करना स्मार्ट मिररिंग है स्मार्ट मिररिंग के आप जाके तुसी चैक कर लेना तुहाडे उत्थे ऑप्शन आती है स्क्रीन मिररिंग की स्क्रीन मिररिंग तुसी ऑन कर लेना तो ऑन करन तो बाद जिहड़ा सर्चिंग डिवाइस है उहदा कोड तुहाडे डिस्प्ले हो जाएगा जिदा कई फोन सैमसंग के फोन के स्मार्ट व्यू होंगे तो बाकी स्क्रीनकास्ट या स्क्रीन मिररिंग होंगे जो तुम उन्होंने क्लिक करोगे जो कोड तुहाडा उत्थे आया तुहाडे फोन पर डिस्प्ले हो जाएगा उस तो बाद देखो जिवें वीवो 1904A अबाउट टू डिस्प्ले आना कनैक्ट होना शुरू हो जाएगा तो जी मोबाइल की स्क्रीन है जिदा ये इतने कनैक्ट हो गया आ देखो फोन थोड़ा हम आप बैक जाइए आ देख लो इस तरह थोड़ा फोन जोड़ा है ये कनैक्ट हो गया जो भी तुम फोन पर चलाओगे इनू तुम अपना रोटेशन मोड से लैंडस्केप मोड से करोगे तो आ हो जाएगा अगे तुम व्हाट्सएप है थोड़ा व्हाट्सएप तुम चला दो व्हाट्सएप से कोई दिखाना चाहते हो बच्चे वो दिखा सकते हो इस तरह तुम अपना फोन जोड़ा है ये स्क्रीन के नाल कनैक्ट कर सकते हो थैंक यू।